first day and it was very hard for me. सो गाइस, ये मेरा नदी के किनारे किनारे ट्रेल है और ये पहाड़ दोनों तरफ की चोटी लगभग 200 फीट होगा और यहाँ से 3 घंटे का ट्रेक है, मतलब 1.5-2 घंटे के बाद एक एक होटल आपको मिल जाएगा। स्नो पीक्स दिख रहा है मुझे। पाँच बजे तक या 5:30 बजे तक कर लूँगा ट्रैक, जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा है। तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही गजब का है और आपको बोर नहीं लगेगा। इफ़ यू आर डूइंग सोलो देन यू विल बी अकम्पनीड विद द ब्यूटीफुल नेचर एंड साउंड ऑफ रिवर इज अमेजिंग। और ये गाय का बछड़ा। सो गाइज, थक गया और सांस फूल रही है अभी, और पानी मेरे पास इतना ही है, नहीं तो नदी का पानी पी लेंगे। सो गाइस, ये एक ब्रिज है और ये ब्रिज 2015 का जो अर्थक्वेक हुआ उसमें ऐसा इसका हालत हो गया है, और संभल के इसके ऊपर जाना पड़ेगा अभी। ओह माय गॉड, मैं फिसल गया। और ये कुछ ट्रेकर आ रहे हैं, अभी ऑफ सीजन है तो यहाँ पे ट्रेकर उतना है नहीं। बंबू होटल, हाउ लॉन्ग इट विल टेक मी टू गेट देयर? 1.5 घंटे, मेबी 2 आवर्स। 2 आवर, या। पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा अभी, तो हमारी लगने वाली है वाट। वो नीचे से मैं चढ़ के आया और ये ऊपर, उधर वहाँ तक ऊपर जाना है फिर। गाइस, ये रहा कुछ ट्रेल ऐसे जंगल के अंदर पहाड़ के ऊपर से होते हुए, और ये है बम्बू, ये है छोटे छोटे बम्बू, और इसको और इसी के पत्ते को ही रेड पांडा खाते हैं। रेड पांडा लगभग 350 से 600 के बीच में उनके पॉपुलेशन है। अभी मैं यहाँ हूँ फिलहाल, और ये है कैंजन गुम्पा के लिए लांगटांग वैली, और ये ऊपर वाला रोड गया है आपका गोसाईकुंडा के लिए। तो मैं पहले इधर से आता हूँ, फिर इस ट्रैक के बाद सोचता हूँ कि ये वाला ट्रैक कर लूँ। वो जो आप देख रहे हैं सफ़ेद वाला पोर्शन, वो आपका लैंडस्लाइड होके नदी की तरफ आ गया है, और ये वाला ट्रेल बहुत ही ख़तरनाक है, देख सकते हैं। थोड़ा सा स्लिप होंगे तो आप नीचे गिर सकते हैं, नीचे ऐसी खाई है और ब्लू कलर वो है वाटर। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है हॉट स्प्रिंग, और वो रहा एक रिवर व्यू होटल। ये है होटल नमस्ते, और ये अभी बंद है क्योंकि ट्रैकिंग उतना अभी हो नहीं रहा है, कोरोना वायरस के कारण अभी ट्रैकिंग बंद है। सीज़न इस बार का उतना अच्छा नहीं है।
या थैंक यू। ट्रेल है पहाड़ के, अभी ऊपर चढ़ना पड़ेगा और मेरा बैकपैक भारी है बहुत ही, क्योंकि मेरा स्लीपिंग बैग है। सो मैं वही सोच रहा हूँ कि बाम्बू होटल में मेरा स्लीपिंग बैग रख दूँगा। मेरा बैकपैक लगभग होगा आपका आई डोंट नो मे बी 20 kg। लगता है मैं गलत हुए में चला गया। हाँ ये रहा ट्रेन, हाँ ये ऊपर की तरफ स्टेप है, इजी है यदि आप ट्रेल को फॉलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यू डोंट नीड अ गाइड, इट्स ए मॉडरेट वन। अरे ऊपर ऐसे चढ़ाई है, ओ माय गॉड, इट्स सो काम, इट्स क्वाइट, आई लव इट, द नेचर इज सो नाइस, यू नो। टेम्परेचर लगभग 16-17 के बीच होगा अभी। ये एक स्ट्रीम टाइप का है नीचे, हाँ फिर चढ़ के जाना पड़ेगा। और ये फिसल सकता है, इसमें आपको वाटरप्रूफ शूज चाहिए। ये मैं केचुआ का लिया हूँ वाटरप्रूफ, MH 500, इसका मॉडल का नंबर है। अब फिर चढ़ना है ये, और ये एक पेड़। उधर ऊपर गाइस केले के पेड़ है, वहाँ पे किसे कौन केला उगा रहा है पता नहीं, नेचुरल लिमिट में भी, क्योंकि उधर एक पानी का स्ट्रीम है। मेरे पास अभी पानी है नहीं, मैं सोचता हूँ यही पानी पी लूँ। तो गाइस अभी टाइम लगभग शाम के 5:30 बज चुके, और वो कुछ होटल है, और मुझे जाके वहीं पर रुकना है बिकॉज़ आई एम सो टायर्ड। फर्स्ट डे एंड इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी। सो गाइस मैं अभी बाम्बू होटल में हूँ, और वो मेरा रूम रहा, और यहाँ ऐसा कुछ है व्यू पॉइंट इसका, बहुत ही गजब का नज़ारा है। एंड आई हैव टू स्पेंड द नाइट हियर, और यहाँ पे किचन है। और ये एक वुडन स्टोव है, yes। और मैं यहाँ पे अभी मैं अपना सोयाबीन बना रहा हूँ क्योंकि मैं भूखा हूँ ज़्यादा, डिनर के लिए टाइम लगेगा। मेरा ये व्यू फ्रॉम माय विंडो, वाओ। सो गाइस ये देख सकते हैं प्लास्टिक के बोतल को कैसे रीयूज करके एक नो दे हैव मेड वन ब्यूटीफुल प्लेस टू सिट हियर।